स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो आगे ऑर्गेनिक सॉरी केमिस्ट्री समझने में आपको सहूलियत होगी। तो और है ये एक बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। मुझे लगता है कि 20-25 लेक्चर से ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ ये बहुत सारी चीजें इनऑर्गेनिक की भी इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। देखिए, इस चैप्टर में मैं लेक्चर वन कह रहा हूं, इसे लेक्चर वन कह रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मेजर पांच चीजें हमें पढ़नी है। केमिकल बॉन्डिंग है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर, क्योंकि हर एक जो चीज अभी बताऊंगा उसमें भी कई सारी चीजें हैं, कई थ्योरीज हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है इसमें हमें पांच तरह के बॉन्ड पढ़ने हैं, ठीक है। पांच तरह के बॉन्डिंग, पांच तरह की बॉन्डिंग पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड पढ़ना है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल फोर्सेस, वांडरवाल फोर्सेस, ठीक है, वॉल भी डबल ए हो जाएगा, ठीक है, और वांडरवाल फोर्सेस, और लास्टली जो है आपका जो है मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगी, मेटालिक बॉन्डिंग। तो कहने में बड़ा सिंपल लगता है कि ये पांच टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन पांच टॉपिक्स में भी कई बातें हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड जब हम शुरू करेंगे तो आयनिक बॉन्ड में हम लोग फजान रूल वगैरह सब पढ़ने लगेंगे, फिर पोलराइजेशन पढ़ने लगेंगे, फिर आयनिक कंपाउंड्स के मेटल आयनिक कंपाउंड्स के पूरे डिटेल में चले जाएंगे। ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग बिल्कुल है ना कोसेल लेविस कॉन्सेप्ट, फिर है ना जितनी सारी छोटी छोटी थ्योरीज है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया या मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, तो जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें एक एक करके जाते जाएंगे। और ना उन थ्योरीज में भी कई सारे करेक्शंस हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी हो गया। तो अपने आप में जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, भले ही मैंने ये दो शब्द लिखे हैं, ये अपने आप में कम से कम 10 से 12 लेक्चर होगा, ठीक है। तो हर एक टॉपिक कहने को ये दो दो लाइन, दो दो अक्षर जरूर लिखे गए हैं, पर अपने आप में एक बड़े बड़े सब्जेक्ट जैसे हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आयनिक बॉन्ड से शुरू करूं, और सीक्वेंस यही रहेगा, आयनिक बॉन्ड पहले पढ़ाऊंगा, फिर कोवेलेंट, फिर हाइड्रोजन, फिर वांडरवाल, फिर मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं है ना आयनिक बॉन्ड से शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि मैं बेसिकली आपको कुछ कुछ हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दूं कि आखिर बॉन्डिंग होती क्या है, ठीक है, और फिर हम लोग आयनिक बॉन्ड से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी अभी मैं हो सकता है इंट्रोडक्शन में मैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड हल्का हल्का टच करूं, वो जस्ट सिर्फ इंट्रोडक्टरी ही होगा, ठीक है। फिर मैं डिटेल में वापस लौटूंगा इंट्रोडक्शन के बाद आयनिक बॉन्ड पे, और आयनिक बॉन्ड में कम से कम मुझे 5 लेक्चर 6 लेक्चर लगेंगे, फिर मैं कोवेलेंट बॉन्ड में आऊंगा 10-12 लेक्चर लगेगा, तो एक एक करके इसमें आऊंगा। तो आइए इंट्रोडक्शन जो है वो मैं देता हूं आपका, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या, इंट्रोडक्शन में क्या, सबसे पहली बात क्या, आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसे कहते हैं। मैं बताऊं केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है किसी भी दो एटम को जोड़ने वाली कोई भी चीज हो। मैं एक बात कह रहा हूं, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है कि वो आपका मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है कि वो किसी भी तरह का फोर्स हो, एनीथिंग विच बाइंड्स टू एटम इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो कोई भी चीज जो दो एटम को बाइंड करके रखता हो उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब वो बॉन्डिंग का मैकेनिज्म बदलता है, कई बार प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है तो हम उसे आयनिक बॉन्ड कह देते हैं, कई बार इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से चीजें बनती हैं तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं, कई बार डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है उसका भी बेस्ट केस को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं, कभी इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें, इन बातों को मैं भविष्य बताऊंगा। कभी कभी पॉजिटिव कर्नल और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की भी वजह से बॉन्डिंग हो जाता है तो उसे हम है ना मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो वजह कुछ भी हो,
पर वो फोर्स, वो कारक, वो एजेंट जो किसी दो एटम्स को जोड़ के रखता हो, उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं. तो यहां पे लिख सकते हैं एनी फोर्स विच बाइंड्स टू एटम्स is called a chemical bond. केमिकल बॉन्ड कहते हैं. तो आप याद रखिए कि जैसे अगर ये दो एटम्स हैं, एक एटम है, ये दो एटम है, ये किसी भी वजह से अगर आपस में चिपक जाए ऐसे, ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहेंगे. ठीक है, इट्स कॉल्ड केमिकल बॉन्ड कहा जाएगा इसको. ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग से इसको कहेंगे. ये वजह कुछ भी हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे मैग्नेटिक हो, चाहे जो भी वजह हो, इसको आप केमिकल बॉन्ड कहेंगे. ठीक है, अब दूसरी चीज आई कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, तो समझ गए. अब अगली चीज आती है कि पहले के इंसान ये सोचता था कि आखिर तो एटम बाइंड क्यों करते हैं, व्हाई टू एटम्स गेट बॉन्डेड टू ईच अदर, व्हाई, क्यों बॉन्ड. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाई एटम्स बाइंड विथ ईच अदर. बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि इंसान के दिमाग में शुरू में आया, ठीक है, केमिकल बॉन्ड तो हम समझ गए, केमिकल बॉन्ड वो होता है जिससे दो एटम जुड़ते हैं, पर बॉन्डिंग होती क्यों है, व्हाई केमिकल बॉन्डिंग हैपेंस, क्या वजह है कि दो एटम, ऐसा क्या आता है उनके मन में कि वो आपस में चिपक जाते हैं हमेशा के लिए. ठीक है, हमेशा के लिए नहीं, मतलब परमानेंटली चिपकते हैं, कभी उसको डिसोसिएट भी किया जा सकता है. तो सबसे पहले इस बात पर किसी ने कॉन्सेप्ट दिया, तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट आया करके. किसी ने एक्सप्लेन किया कि इनके बीच में बॉन्डिंग की वजह पोटेंशियल एनर्जी है. अब देखिए, समझिएगा क्या होता है, जब दो एटम बहुत दूर होते हैं लार्ज डिस्टेंस, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है. लेकिन जैसे जैसे ये अट्रैक्टिव फोर्स है, मान लीजिए इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जैसे जैसे ये पास आते जाते हैं इनके बीच की जो दूरी है वो घटती चली जाती है. ये जो दूरी है इनके बीच की, ये घटती जैसे चली जाएगी, ये जैसे यहां है, अभी ये यहां आ गए, करीब आ गए. ठीक है, तो जैसे जैसे इनकी दूरी घटती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है नेगेटिव होती चली जाएगी. ठीक है, और करीब आएंगे तो और नेगेटिव हो जाएगी, और करीब आएंगे और दूरी घट जाएगी तो और नेगेटिविटी बढ़ जाएगी. मान लीजिए ये है ना -50 kJ/mol है, ठीक है, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है कि और नेगेटिव हो जाए, -75 kJ है ना पर मोल हो जाए. लेकिन दिक्कत ये है कि एक ऐसी दूरी होती है ना आर नॉट, जिसके बाद अगर आप इनको और करीब ले जाएंगे तो इनमें अब रिपल्शन शुरू हो जाता है. ठीक है, है ना, जैसे रिपल्शन शुरू हो जाता है, तो अगर इनके बीच में अगर आप इससे आर नॉट से और कम करेंगे, इफ आर बिकम्स लेस देन आर नॉट से और कम करेंगे, अब इनको ऐसा समझिए ना, जब दूर है तो पास आते जाते हैं और एक ऐसी दूरी आती है जिसपे आके ये फंस जाते हैं. अब अगर आप इनको दूर ले जाएंगे तो ये अट्रैक्शन से करीब आ जाएंगे, और इनको पास ले आएंगे तो ये रिपल्शन से दूर चले जाएंगे. तो होता क्या है कि दो एटम जो है अगर आप उनको छोड़ दीजिए तो वो धीरे धीरे अट्रैक्ट करते 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 एक सिचुएशन आती है जहां आके अटक जाते हैं. अब वो उससे और वो अटक जाते हैं, और इसी अटकने को बॉन्डिंग कहते हैं. ऐसा शुरू में इंसान समझता था, ठीक है, कि इसी को अटकने को बॉन्डिंग कहते हैं. अब एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां से आप अगर दूर जाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और करीब आएंगे तो रिपेल हो जाएंगे. इस दूरी को डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच कहा जाता है. ठीक है, कितना मिनिमम अप्रोच कर सकते हैं चीजें, और इस पे पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो मिनिमम होती है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है. अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ ऐसा आ जाएगा, मैं इसका ग्राफ यहां प्लॉट कर रहा हूं. अगर मैं इसी चीज का, इस पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो वो ग्राफ एनर्जी वाइज ऐसा दिखना चाहिए कि अगर
मैं ये जो चीज हो रही है ना, ये जो चीज हो रही है, इनकी दूरी घट रही है और इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी लगातार घटती जा रही है, लेकिन आकर एक बार ये मिनिमम हो जा रही है, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूं, अगर अगर मैं एनर्जी ऐसे ले लूं, और देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, जब भी पोटेंशियल एनर्जी दो लोगों के बीच में नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब होता है उनके बीच में आकर्षण है, अट्रैक्शन है, ठीक है, अट्रैक्शन है। अगर दो लोगों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, तो उनमें है ना, ना अट्रैक्शन है, ना अट्रैक्शन है और ना ही रिपल्शन है, ठीक है। और किसी भी दो लोगों के बीच में अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आने लगती है, तो उनमें रिपल्शन होना पता चलता है कि उनमें रिपल्शन है, ठीक है। तो इस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अपना जहन में रखनी है ना, और ये अगर आपको बात दिमाग में रहेगी तो मैं है ना जो है ग्राफ जब प्लॉट करूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब जब कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है, जीरो, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और रिपल्शन अगर दो लोगों में होता है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। अब मान लीजिए ये मैं एनर्जी का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं यहां पे, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, इस तरफ एक्सिस है, ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी है और ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी को मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह रहा हूं। तो अगर ये एक्सिस जो है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, मैं इसको कह रहा हूं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। आप जानते हैं जब दूरी इंफिनिटी होती है, ठीक है, जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंफिनिटी होता है, ये बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, ये डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होता है तो लगभग इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, जीरो तो नहीं होगी एग्जैक्ट, बस थोड़ी सी नेगेटिव होगी, ठीक है। और जैसे जैसे ये करीब आते जाते हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव होती जाती है, तो ग्राफ ऐसा आएगा, जैसे जैसे ये करीब आते जाएंगे इनकी पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव होती जाएगी, और एक ऐसी जैसे जैसे करीब आते जा रहे इनकी जो दूरी है, जब R0 पहुंच जाती है, R0 में इस दूरी को कह रहा हूं, इनके बीच की दूरी R0 पहुंच जाती है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। इनकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है इस वक्त मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये U मिनिमम। अब होता क्या है, इसके बाद अगर आप इनको और करीब लाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ना शुरू होती है ना, बढ़ना शुरू हो जाती है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है, ऐसा आ जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे अब आप R0 से अगर दूरी और कम करेंगे, जैसे आपने R0 रखा तो ये एनर्जी थी, अगर आप R0 से दूरी कम कर देंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी अब थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और दूरी कम करेंगे तो इनकी दूरी कम करेंगे, और इनकी दूरी अगर आप कम करते जाएंगे, इधर जाते जा रहे हैं आप, ठीक है, तो अगर आप ये दूरी और कम किए या और कम किए तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी, और एक समय आएगा जब ये पॉजिटिव होने लगेगी, यानी इनके बीच में बहुत रिपल्शन होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि खाली अट्रैक्शन है, नेगेटिव का मतलब होता है कि अट्रैक्शन रिपल्शन को डोमिनेट कर रहा है, अगर इतना रिपल्शन है तो इतना अट्रैक्शन है, तो नेट नेट अट्रैक्शन है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। और यहां आते आते जो है मैं कह सकता हूं कि अट्रैक्शन मैक्सिमम पे है, अब इधर जाते वक्त क्या हो रहा है, अट्रैक्शन घट रहा है और रिपल्शन बढ़ रहा है, तभी एनर्जी बढ़ती जा रही है, जबकि इधर आते वक्त क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है और रिपल्शन कम हो रहा है, ठीक है, रिपल्शन कम होता जा रहा है, और रिपल्शन कम होता जा रहा है, तो जानिए इधर से इधर तक अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, यहां अट्रैक्शन मैक्सिमम है, अब अट्रैक्शन घटता जा रहा है, और इस पॉइंट के बियॉन्ड अट्रैक्शन पे रिपल्शन हावी हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बियॉन्ड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो लोगों का ये मानना था कि ये एक ऐसा सिचुएशन है ना, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एटम आके अटक जाते हैं, और इसी को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। अटक इसलिए जाते हैं क्योंकि इससे अगर दूरी बढ़ाएंगे तो वो फिर इसी दूरी पे आना चाहेगा, अगर आप दूरी बढ़ाएंगे R0 से वो फिर R0 पे आना चाहेगा, क्योंकि इधर जाने पर दूरी बढ़ाने पर अट्रैक्शन है, और अगर आप दूरी कम कर देंगे इनके बीच की तो रिपल्शन से वहां पहुंच जाएगा। तो लोगों का कहना है कि इस मिनिमम एनर्जी जिस पे दो एटम पहुंच जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, है ना, यही वो रीजन है कि यहां आके अटक जाते हैं, और दुनिया वाले इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, कि दो एटम एक दूसरे से ऐसी जगह आकर अटक जाते हैं जिसपे उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और इस सिचुएशन को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है ना, इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं, कि भाई इस बॉन्ड की लंबाई जो है वो R0 है,
बॉन्ड लेंथ कहा जाता है, और इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को ही बॉन्ड एनर्जी कहते हैं कि भाई इतनी एनर्जी दोगे तब जाके इनको आप सेपरेट कर पाओगे, क्योंकि ये अट्रैक्ट करके यहां आके फंस गए। अब इतनी एनर्जी जो आप देंगे इनको देंगे तब ये इनका बॉन्ड टूटेगा और ये अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो शुरुआत में इंसान को ये लगता था कि कोई एटम जो है वो क्यों बाइंड करता है एक दूसरे से, इसलिए करता है ताकि वो अपने मिनिमम एनर्जी पे आ सके। मिनिमम एनर्जी आप जानते भी, एक बात और बता दूं कि किसी चीज की एनर्जी जब घटती है तो वो स्टेबल होता है, और किसी चीज की एनर्जी जब बढ़ती है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो लोगों का ये मानना था कि हर चीज इस दुनिया में मिनिमम एनर्जी पे इसलिए आना चाहती है कि जब एनर्जी आपकी मिनिमम होगी तो आपकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ऐसा लोगों का मानना था। तो ये पहला रीजन था कि क्यों इन दो एटम बाइंड करते हैं। इसके बाद हुआ ये कि इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, लेविस, कई तीन लोग की थ्योरी है, कोसेल, लेविस, लैंगमुइर, इन तीन साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा ना ना ना, ये कारण नहीं है बॉन्डिंग का, है ना, एनर्जी इज नॉट द रीजन। इसके कई दलील भी है, मैं जब लेविस थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों इस पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया। इस पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया, कहा रीजन जो है एनर्जी में नहीं है, रीजन जो है दो लोगों के जुड़ने का केमिस्ट्री में है, ठीक है। तो नया कॉन्सेप्ट आया लेविस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या हो गया, सेकेंड कॉन्सेप्ट आया पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट के बाद, लोगों ने बताया नहीं नहीं ये कारण नहीं है, दूसरा कारण है, उसको लेविस थ्योरी कहा गया, लेविस थ्योरी या लेविस कॉन्सेप्ट कहा गया, लेविस कॉन्सेप्ट कहा गया। लेविस साहब ने कहा कि दो एटम्स के जो जुड़ने की बात अभी उठाई गई है, हमने अब पूछा कि क्यों दो एटम एक दूसरे से बाइंड करते हैं, आखिर वजह क्या है, क्या आता है उनके मन में कि वो एक दूसरे को बाइंड करते हैं। तो पहला रीजन तो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट था, लेकिन लेविस ने कहा नहीं जो है ना ये रीजन नहीं है, रीजन केमिस्ट्री में है। लेविस ने कहा कि लेविस ने जो अपनी थ्योरी का आइडिया है वो नोबल गैसेस से चुराया। उन्होंने कहा कि जैसे नोबल गैसेस होते हैं नियॉन, तो नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, या आर्गन है ना, उसके वैलेंस शेल में 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उनको ये लगता था कि ये लोग स्टेबल है, दे आर स्टेबल, ये लोग स्टेबल हैं। तो लेविस कहते थे कि अगर ये स्टेबल हैं, और ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इसलिए स्टेबल हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि बॉन्डिंग इसीलिए होगी ताकि हर एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर सके, ठीक है। इस 8 इलेक्ट्रॉन को पाने की कवायद जो है ना, इस 8 इलेक्ट्रॉन को पाने का जो टेंडेंसी है ना, इसको उन्होंने ऑक्टेट रूल नाम दिया, ठीक है, ऑक्टेट रूल नाम दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं लिख दे रहा हूं उनकी थ्योरी का, पहली बात यही थी कि अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, है ना, अकॉर्डिंग टू लुइस थ्योरी, लेविस थ्योरी, नोबल गैसेस आर वेरी स्टेबल because they have 8 electrons in their valence shell. Valence shell क्या होता है ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, have 8 electron in their valence shell, ठीक। तो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं valence shell में, इसलिए बहुत स्टेबल होते हैं। तो लेविस साहब ने कहा यही वजह है कि हर एटम बॉन्डिंग इसलिए करता है ताकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सके। तो उन्होंने कहा हेंस एवरी एटम मेक्स अ बॉन्ड सो दैट इट ऑल्सो एक्वायर्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। और इस चीज को उन्होंने 8 को ऑक्ट कहते हैं, तो ऑक्टेट रूल कहा, ठीक है। तो एंड दिस रूल एंड दिस
rule was termed as octet rule, as octet rule. इसको octet rule कहा गया. तो Lewis theory ने, Lewis ने कहा कि चूंकि मैं देख रहा हूं कि नोबल गैस बहुत स्टेबल होते हैं, हर चीज इस दुनिया में स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहती है, तो जिन लोगों के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है नोबल गैस की तरह, वो बॉन्डिंग करते हैं ताकि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकें, और यही वजह है केमिकल बॉन्डिंग करने की. इस रूल को उन्होंने ऑक्टेट रूल कहा. ठीक है, उन्होंने कहा कि ये ऑक्टेट रूल है. नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट चीज, ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या कहा उन्होंने, नेक्स्ट चीज कही उन्होंने, यही बताया कि ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एटम है, मान लीजिए सोडियम एटम है, ठीक है, एक सोडियम एटम है, तो आप जानते हैं सोडियम एटम में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, यानी इसके इसके जो मेन अंदर वाला पहला शेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. और फिर एक और शेल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ये एक और है शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा. तो इस जो सबसे बाहरी शेल होता है ना, उसको वैलेंस शेल कहते हैं, इसको इसको है ना वैलेंस शेल कहा जाता है, कॉल्ड वैलेंस शेल, और इसको इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है. ध्यान देंगे कि ये जो अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे ये वाले हों चाहे और अंदर वाले हों, इनको हम लोग है ना, इनको हम लोग इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. और ये जो बीच में पड़ा हुआ है आप जानते हैं, इसको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है, तो एक चीज हो गई क्या, वैलेंस शेल किसे कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं ये भी बता दिया मैंने, इनर कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं ये भी बता दिया मैंने, और न्यूक्लियस किसे कहते हैं ये बता दिया. मैं आपको बताऊं कि इनर कोर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों को जोड़ के हम उनको कर्नल भी कहते हैं, कर्नल भी कहते हैं, या इस पूरे एटम में से अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए तो अंदर की जो चीज बच गई, न्यूक्लियस और अंदर के इनर कोर इलेक्ट्रॉन, ये जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस है ना, इसको हम कंबाइंड रूप से कर्नल कहते हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड कर्नल, कर्नल कहा जाता है इनको. ठीक है, दे आर कॉल्ड कर्नल. तो मैंने ये बात इतनी क्यों बताई, मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि लेविस साहब का ये मानना था, ठीक है, लेविस साहब का ये मानना था कि सिर्फ और सिर्फ ये जो उनका ऑक्टेट रूल है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ही ट्रू है. ठीक है, तो बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि लेविस थ्योरी के अनुसार नोबल गैसेस 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए है ना हर हर एटम बॉन्डिंग इसलिए करता है ताकि उसके वैलेंस शेल में, ध्यान रखिएगा वैलेंस शेल की बात की उन्होंने, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं की, उन्होंने कहा वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए इसके लिए बॉन्डिंग की जाती है. ठीक है, तो याद रखिए अगली बात क्या हो जाएगी, अगली बात ये है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि ओनली ओनली सेकेंड पॉइंट क्या है, ओनली अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, इन केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही 8 इलेक्ट्रॉन लाने का की कवायद की जाती है, कोशिश की जाती है. ठीक है, तो ये चीज आ गई. ठीक, दूसरी बात हुई लेविस थ्योरी की. लेविस थ्योरी ने और भी बताया क्या, और तीसरी बात भी बताई उन्होंने. तीसरी बात क्या कही इस थ्योरी की, तीसरी बात क्या है, उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार उन्होंने और सारे बॉन्ड्स, कई तरह के बॉन्ड्स भी बता दिए. ठीक है, कि कितने तरह के बॉन्ड होते हैं. अगर उन्होंने कहा कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, मैंने केमिकल सॉरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ऐसी जगह पर है ना आयनिक बॉन्ड बनता है. उन्होंने कहा आयनिक बॉन्ड बनेगा,
आयनिक बॉन्ड को उन्होंने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड बनता है और ये आयनिक बॉन्ड जो है वो बेसिकली एक ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा. तो आयनिक बॉन्ड का जो मेन फंडा है वो डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होता है. ठीक है, तो लेविस थ्योरी में ये इन्होंने तीसरी बात कही. दूसरी चीज कही कि अगर दोनों लोग इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, अब देखिए होता क्या, आप अपने घर में है, आपके एक ही साइकिल है, आपको भी चाहिए आपके भाई को भी चाहिए, एक ही बाइक है आपको भी चाहिए आपके भाई को भी चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, आप शेयरिंग कर लेते हैं. क्या सुबह मैं कोचिंग जाऊंगा तो मैं बाइक लेके जाऊंगा, शाम को तुम अपने कोचिंग जाना तो तुम अपनी बाइक, तुम फिर यही बाइक ले जाना. तो जब दोनों लोगों को जरूरत है बाइक की तो और बाइक एक ही है तो शेयर हो जाती है. ऐसे यहां पे है, दोनों लोग अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों लोगों को अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, दोनों लोग इलेक्ट्रॉन पाना चाहते हैं, तो हम इस केस में है ना जो बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग से बनता है और उसको उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड कहा. उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड कहा. कोवेलेंट बॉन्ड का जो फंडा है वो शेयरिंग से होता है. ठीक है ना, शेयरिंग उसकी फिलॉसफी है. अगर दोनों लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, यानी दोनों लोग अगर मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो क्या होगा, तो दोनों लोग अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो देकर डीलोकलाइज कर देंगे और वही इलेक्ट्रॉन दो कर्नल्स के बीच में बॉन्डिंग का काम करेगा. हो सकता है आपको मेरी बात यहां पे कम समझ में आई, तो अभी आप फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो मैं क्लियर करूंगा. तो अगर दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं तो वहां पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, मेटालिक बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगी. और मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो बेस्ड है ना शेयरिंग ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पे बेस्ड है. ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे बहुत ही मैंने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, अभी इंट्रोडक्शन मेरा खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मैं हल्का हल्का आपको आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का भी इंट्रोडक्शन दूंगा. ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड का भी या फिर कोवेलेंट बॉन्ड का भी मैं इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा दूंगा अभी, तो बॉन्ड खत्म नहीं हुआ. लेकिन मैंने अब तक क्या बताया, मैंने बताया कि बॉन्डिंग किसे कहते हैं, इस चीज पे बातचीत की, और बॉन्डिंग क्यों होती है. बॉन्डिंग होने का शुरुआती जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि लोग अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं. बाद में पता चला, बाद में लेविस साहब आए बोले ऐसा कोई बात नहीं है, लोग बॉन्डिंग इसलिए करते हैं, इसमें एनर्जी कम और केमिस्ट्री ज्यादा है, लोग बॉन्डिंग इसलिए करते हैं ताकि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पा सके. 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए पा सके क्योंकि नोबल गैसेस 8 इलेक्ट्रॉन पाकर स्टेबल होते हैं, तो हर आदमी चाहता है कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर दे ताकि उसकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस से मैच करने लगे. और चूंकि नोबल गैस स्टेबल होते हैं 8 रख के, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा 8 पाके. ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा करने में सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं. और उन्होंने ये भी बताया कि ना अलग अलग सिचुएशन में कितने तरह की बॉन्डिंग हो सकती है. अब हमारी अगली चीज क्या है, आइए अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है लेविस थ्योरी के हिसाब से. अब आयनिक बॉन्ड लेविस थ्योरी के अनुसार कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, भाई लेविस थ्योरी की तो हमने बातें पढ़ ली, अब लेविस थ्योरी के हिसाब से कैसे बॉन्ड्स बनते हैं इसको सीखा जाए. तो सबसे पहले लेविस थ्योरी के हिसाब से आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा. ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग कैसे होगी ये देखिए. तो लेविस साहब के अनुसार मैं दो एग्जाम्पल लूंगा, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट लेविस के अनुसार, ये जैसे ये सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम है, सोडियम के वैलेंस 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है. ठीक है, और क्लोराइड है, क्लोराइड के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287. लेविस मैं डॉट स्ट्रक्चर बता रहा हूं. यहां पे उन्होंने कहा कि चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं तो हमेशा जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही शो करना चाहिए. ठीक है, शो करना चाहिए. तो इन्होंने कहा कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिखाया वैलेंस शेल वाला, ये क्लोरीन में 7 दिखाया उन्होंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये डॉट और क्रॉस इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं. मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट लिखा है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मैंने क्रॉस रख लिया है. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहां जो क्लोरीन है ये बहुत चाहता है, ठीक है, कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए. मैं इसको यहीं लिख रहा हूं, क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287 है. ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287 है, तो ये चाहता है कि ना इसके इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, और ये चाहता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन घट जाए, क्योंकि ये घट जाएगा तो
तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और ये चाहता है कि ये आठ हो जाए, एक मिल जाता, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाता, पूरा हो जाए। ठीक है, तो होता क्या है यहां पर, ये ऐसे लोग जो अपने इलेक्ट्रॉन से निजात पाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, उनको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन सीक करते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, लेविस के अनुसार ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम परमानेंटली क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, परमानेंटली क्लोरीन को ट्रांसफर कर, तो यहां पर ये जो सोडियम है वो डोनेशन कर रहा है। ठीक है, यहां सोडियम जो है वो डोनेशन कर रहा है, और यहां पर ये एक्सेप्टेंस कर रहा है इसका, है ना, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहां डोनेशन है, यहां फेनोमेना डोनेशन है, और यहां पे फेनोमेना एक्सेप्टेंस है। ठीक है, तो चीजें ऐसे आ जाएंगी क्या, कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, चूंकि आप एक इलेक्ट्रॉन जब था तब ये न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर होना, अगर नेगेटिव कम हो जाएगा तो चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम जो है वो मेटल आयन में चेंज हो जाएगा, कैटायन में, ये आपका सोडियम कैटायन हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पाके क्लोरीन जो है, यहां पर क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पा जाएगा, एक दो तीन चार पांच छ सात, और एक इलेक्ट्रॉन ये जो इधर से सोडियम से आठ, ये क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और याद रखिए क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाने की वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक है, ये जो फोर्स है ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, है ना, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे कहते हैं, कोलंबिक फोर्स भी कहते हैं, जो दो है ना चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होता है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जो है वो फिजिक्स का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर केमिस्ट्री में होता है दो लोगों के बीच में, तो हम उनको कौन सा बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, इट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो आपने सीखा होगा कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, आयनिक बॉन्ड डोनेशन और एक्सेप्टेंस से बनता है, एक आदमी को डोनेट करना है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, जब इसने डोनेट कर लिया तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-8 हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, इसका 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 2-8 हो गया, और इसका क्या हो गया, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2-8-8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-8-8 हो गया। ठीक है, ये 2-8-8 हो गया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो लेविस थ्योरी के हिसाब से इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। उन्होंने एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेकंड एग्जांपल, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम है, आप जानते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसमें है ना 2, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये, और साथ साथ क्लोरीन जो है, हम ऐसा कर सकते हैं, इसको थोड़ा बीच में लिखूं मैं, ये मैग्नीशियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, ये 2-8-8 सॉरी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक, ये रहा, मैं दो ही दिखा रहा हूं क्योंकि लेविस साहब का कहना है कि हमारा लेना देना सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उनको डिनोट करिए, है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, इट्स कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तो ये मैग्नीशियम है, और क्लोरीन के साथ क्या चक्कर है, क्लोरीन के पास 2-8-7 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1-2-3-4-5-6 और 7, सात इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सात इलेक्ट्रॉन है, और इसके इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सेम एक और क्लोरीन ले लीजिए, उसके साथ भी ऐसी सिचुएशन है, 2-8-7 है, इसके पास भी सात इलेक्ट्रॉन है, 1-2-3-4-5-6 7, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब होता क्या है, ये मैग्नीशियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और चीजें कुछ इस तरह की बन जाएंगी, क्या होगा ये, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मैग्नीशियम जो है वो +2 आयन हो जाएगा, +2 आयन हो गया, मैग्नीशियम +2 हो गया, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पाने के बाद, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-8 रह गया है, तो इसका आप देख सकते हैं कि इसका ऑक्टेट भी जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो क्लोराइड ऐसा हो जाएगा Cl। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, डॉट
ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, तो एक नेगेटिव इसलिए आएगी, उसने एक नेगेटिव किसी से एक्सेप्ट किया, ओवरऑल ये न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था वो आ जाएगा, तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही यहां के क्लोरीन के साथ भी हो जाएगा Cl, ठीक है। और यहां पे क्रॉस 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 क्रॉस, और एक इलेक्ट्रॉन जो इससे लिया उसे डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्लोरीन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी अब 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन बाकी 8 हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। यहां भी मैं देख सकता हूं इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और सेम इसी तरह इसका भी ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाए, और इनके बीच में अब इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बीच में काम करेगा, ठीक है। तो याद रखिए आयनिक बॉन्ड को ऐसे डॉटेड डॉटेड चीजों से ही दिखाते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड कुछ इस तरह का रूप धर लेता है, ठीक है, इस तरह की चीजें आ जाती है। अब मैं आपको यहां एक खास बात बताऊं कि ना सिर्फ आयनिक बॉन्ड आपने समझ लिया कि कैसे आयनिक बॉन्ड बनते हैं, कैसे सबका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाता है, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, क्या कोई भी एटम आयनिक बॉन्ड बनाते समय जितना इलेक्ट्रॉन देता है या जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि यहां पर सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है और यहां इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1 है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड व्हाइल फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। नाउ यू कैन इट इज प्रीटी एविडेंट दैट हियर दिस क्लोरीन हैज अ इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ 1 बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि यहां पर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, डोनेट कर रहा है। तो यहां पर मैं एक 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 नोटेबल बात लिख लेता हूं, क्या नोट नोटेबल क्या है कि आयनिक बॉन्ड बनते समय लेविस ने कहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड डोनेटेड और एक्सेप्टेड व्हाइल फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, है ना, व्हाइल फॉर्मिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी। अब हमने ये तो समझ लिया कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, किसके अनुसार, लेविस थ्योरी के हिसाब से। आइए अब ये सीखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं लेविस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मेन फंडा जो है वो शेयरिंग का होता है, दो लोग जब शेयर करें, अब देखिए कैसे कब शेयर करेंगे इसको समझिएगा। मान लीजिए मैं सबसे सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन लेके चलता हूं, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम है, अब इसका इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसको अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हीलियम जैसा होना चाहिए, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉन यह है और इसका इलेक्ट्रॉन यह है, ठीक है। अब होता क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर ये पा जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, हीलियम का कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। आपको बताया कि लेविस थ्योरी पूरी तरह से नोबल गैस के कॉन्फिगरेशन पे ही बेस्ड थी, और ये भी इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये यहां ऐसे नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन से कहे कि तुम अपना डोनेट कर दो और मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, डोनेट करने से इसका तो फायदा हो जाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों एक बीच का रास्ता निकालते, कहते हैं ऐसा करो, ऐसा करते हैं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन और तुम अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रख देते हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, और कहे कि तुमसे कोई पूछेगा तो तुम कहना मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अपना बता देना, ठीक है, और मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां इफेक्टिवली इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इफेक्टिवली इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों हीलियम का कॉन्फिगरेशन के करीब पहुंच गए, ठीक है, हीलियम के कॉन्फिगरेशन के करीब पहुंच गए। इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है लेविस थ्योरी में, है ना। और याद रखिए जब भी लेविस थ्योरी में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, हम केमिस्ट्री में उसको सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं।
अगर चार इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे तो हम उसको डबल बॉन्ड कहेंगे, अगर छह इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे तो हम उसको ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। हर एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाने का एक पहला एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। ये तो खैर होमो न्यूक्लियर बॉन्डिंग हो गई, एक ही जैसे दोनों न्यूक्लियस है इसलिए ऐसी बॉन्डिंग हुई। अगर हेट्रो न्यूक्लियर की बात करें तो वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन ले लीजिए और क्लोरीन ले लीजिए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 287 सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सबको मालूम है कि ना दोनों को एक एक चाहिए, इसको एक चाहिए ताकि ये दो हो जाए और हीलियम जैसा कॉन्फिगरेशन हो जाए, और इसको भी एक चाहिए ताकि ये 288 हो जाए, इसका ऑक्टेट जो है पूरा हो जाए, ठीक है। तो होता क्या है, फिर वही अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे भी फिर वही अरेंजमेंट होगा, दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन तय किया है कि हम बीच में रख देंगे। तो हाइड्रोजन है यहाँ पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये अब इसको, अच्छा देखिए, ये जो पीछे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शेयर नहीं हुए, सिर्फ ये शेयर हुआ, इसने अपना एक बीच में रखा यहां और इसने अपना एक बीच में रखा यहां, ठीक है। अब हाइड्रोजन से कोई पूछता है तो कहता है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसका डुएट पूरा हो गया। और क्लोरीन से कोई पूछता है तो क्लोरीन कहता है मेरे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मेरे पास, ये 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी इसके पास भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये HCl ऐसे बनता है, और HCl को हम ऐसे डिनोट करेंगे, चूंकि दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, HCl ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, ये इसका दूसरा एग्जांपल था। और भी कई एग्जांपल्स हैं मेरे पास, है ना, और जिसको जितने एग्जांपल्स हम देखेंगे उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। अगला एग्जांपल जो है मेरे पास वो है ऑक्सीजन का। अब तीसरा केस देखते हैं, O2 कैसे बनता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 और 6, इसका भी 2 और 6, इसको इसके इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको भी दो चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसको भी दो चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये करते क्या है, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, है ना। यहां ऑक्सीजन ऐसे करेगा O, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते हैं, उनको हम लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर्स कहा जाता है। और जो शेयर हो जाते हैं, जो शेयर्ड पेयर है, उनको हम लोग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, शेयर्ड पेयर। तो जो शेयर हो गया पेयर उसको शेयर्ड पेयर, जो नहीं हुआ उसको लोन पेयर, ठीक है, इस तरह से कहा जाता है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे इस ऑक्सीजन ने भी दो इलेक्ट्रॉन बीच में रखा और 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, शेयरिंग नहीं की। इस ऑक्सीजन ने भी दो इलेक्ट्रॉन बीच में रखा और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे रखा। अब कोई इससे पूछता है, तो थोड़ा मैं और दूर कर दूं, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहां पर होता क्या है कि जो है, अगर मैं इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाऊं, तो इस ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और इसके पास भी टोटल जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आपने देखा यहां पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, इसलिए इसका जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो खैर यही है जो मैंने बनाया है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। इन दो बॉन्ड्स का मतलब, पहला बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो डबल बॉन्ड भी लेविस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। ऐसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड भी लेविस थ्योरी के अनुसार ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-5 होता है, दूसरे नाइट्रोजन का भी 2-5 ले लीजिए, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, इसे 5 है, 1 2 3 4 5, पहले में डॉट दूसरे में क्रॉस, पहले में क्रॉस दूसरे में डॉट, कोई भी आप कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है इसके लिए, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन ने तय किया कि मुझे भी 3 चाहिए ताकि 8 हो जाऊं, और मुझे भी 3 चाहिए ताकि 8 हो जाऊं, तो ऐसा करते हैं 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो दोनों नाइट्रोजन जो है वो 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मूड बनाते हैं, पहला वाला 3 जो है वो ये हो जाए, 1 2 3
चार पांच, इसके भी एक दो तीन चार पांच। अब होता क्या है, ये आठ हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसका भी ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया, ठीक है। और इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, कैसे, ये देखिए, ये इसके पास भी आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसके पास भी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको केमिस्ट्री में कैसे दिखाते हैं, इसको केमिस्ट्री में ऐसे दिखाएंगे, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन दिखाया जाता है। तो यहां पे मैंने चार एग्जांपल लिए आपके, चार एग्जांपल्स के जरिए कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। अब ध्यान रखिए, कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है वो उसकी कोवेलेंसी हो जाती है, ठीक है, उसको हम लोग कोवेलेंसी कहते हैं। तो यहां इसकी कोवेलेंसी जो है वो वन है, यहां भी इसकी कोवेलेंसी वन है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की कोवेलेंसी वन वन है ना, क्योंकि इसने यहां पे भी देखिए हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो मैं कह सकता हूं यहां पे हाइड्रोजन की भी कोवेलेंसी वन है और क्लोरीन की भी कोवेलेंसी वन है, वन है, ठीक है। इसी तरह इस पर यहां देखिए, यहां पे क्या है, ऑक्सीजन जो है, यहां पे ऑक्सीजन की कोवेलेंसी जो है उसने दो और इसने दो, दो इसने दो इसने चार, तो दो 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 दोनों ने शेयर किया, तो दोनों की कोवेलेंसी दो दो हो जाएगी। तो लेविस थ्योरी कहती है कि जितने इलेक्ट्रॉन आप आयनिक बॉन्ड बनाते समय शेयर या एक्सेप्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रोवेलेंसी कहते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय शेयर करते हैं उसको कोवेलेंसी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आयनिक बॉन्ड बनाते समय जितना आप दे रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रोवेलेंसी कहेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय जितने इलेक्ट्रॉन आप देते हैं या एक्सेप्ट करते हैं उसको कोवेलेंसी कहते हैं, और दोनों को कंबाइंड रूप से एक साथ एक शब्द से अगर आपको डिनोट करना है तो आप उसको वैलेंसी कह सकते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी में दोनों बातें आ जाती है, वैलेंसी इज अ सबसेट फॉर वैलेंसी इज अ सुपर सेट ऑफ कोवेलेंस एंड कोवेलेंसी एंड इलेक्ट्रोवेलेंसी। मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां नाइट्रोजन की कोवेलेंसी तीन है और यहां इस नाइट्रोजन की भी कोवेलेंसी जो है वो तीन हो जाएगी, ठीक है, तीन हो जाएगी। तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं पहली दो बातें लिखना चाहता हूं, पहली बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड वैलेंसी, इज कॉल्ड कोवेलेंसी, आई एम सॉरी, इट्स कॉल्ड कोवेलेंसी। कोवेलेंट बॉन्ड तो कोवेलेंसी, आयनिक बॉन्ड तो इलेक्ट्रोवेलेंसी, एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात हो गई है ना क्या, कि दूसरी बात यह हो गई कि इलेक्ट्रोवेलेंसी और कोवेलेंसी को कंबाइंड रूप से हम है ना वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रो वैलेंसी और कोवेलेंसी कैन बी नेम्ड बाय अ जनरल वर्ड वैलेंसी। तो आज के बाद कोई कोवेलेंसी इस्तेमाल नहीं करेगा, हम लोग जनरली वैलेंसी इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम वैलेंसी कहते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि आयनिक बॉन्ड बनते समय कितने लोग डोनेट या एक्सेप्ट हो रहे हैं उसको वैलेंसी कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते समय वैलेंसी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जा रहे हैं है ना शेयर किए जा रहे हैं, तो इसको वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आप इलेक्ट्रोवैलेंसी को और कोवेलेंसी को कंबाइंड रूप से आप वैलेंसी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने लेविस थ्योरी से आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, लेविस थ्योरी के अनुसार आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, लेविस थ्योरी के अनुसार कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, ये तो सीख लिया। अब इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, सम एग्जांपल्स ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स देखे जाए तो क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे यहां पे? अब पहला एग्जांपल है, मैं पांच एग्जांपल लूंगा H2O, ठीक है, H2O बनाना है मुझे। तो H2O कैसे बनेगा, आप देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लीजिए एक दो तीन चार पांच छ, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक, तो हाइड्रोजन को
दो चाहिए, मैं यहां लिखा, चलिए हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है, और ऑक्सीजन में छह होते हैं। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ताकि इसका ड्यूएट पूरा हो जाए, और ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इन दोनों ने क्या तय किया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया और हाइड्रोजन अब कहता है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो यह वो कॉमन सेंस से देखना होगा कि कैसे वैलेंसी फिट होगी, आगे चल के मैं इसका लॉजिकल तरीका बताऊंगा। इसका भी ड्यूएट पूरा हो गया, और अगर आप गौर से देखेंगे तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आप कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड पेयर हैं और दो जो है वो लोन पेयर्स हैं ठीक है। तो ये वाटर का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अगला चीज क्या ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या, तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं कह रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड लेते, चलिए CO2, CO2 इज अ गुड एग्जांपल। कार्बन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो तीन चार। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, चलिए मैंने ऐसे लिखा है ना, और यहां पे भी ऑक्सीजन के छह हैं, एक दो तीन चार पांच छह। अब ध्यान दीजिए, इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और ठीक है, और इस ऑक्सीजन को भी दो चाहिए, और कार्बन को और चार इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो सके। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देता है यहां पर, और ये कार्बन भी जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया ठीक है, इस ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस कार्बन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन के किसको दो यहां रखे, और इसने भी दो अपने उठा के यहां से यहां रख दिए ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया ठीक है। अब इस कार्बन का जो ऑक्टेट है वो भी पूरा हो गया, आप देख सकते हैं यहां एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। अगर आप इसको है ना नॉर्मल जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो चूंकि हर दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड होता है, तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे हो जाएगा ये ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा ठीक। ऐसे ही यहां पे ओ है, अगर मैं इसको देखूं तो ओ, ये दो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड है एच एच। एक चीज आप जानिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये जरूर बताता है कि कितने बॉन्ड बनेंगे किसके बीच में, पर उस वो स्ट्रक्चर लीनियर होगा कि वी शेप्ड होगा क्या होगा, इसके बारे में है ना लेविस डॉट स्ट्रक्चर कोई बातचीत नहीं करता। वाटर ऐसे एच ओ और एच सीधी रेखा में होंगे कि वी शेप्ड होंगे कि कोई और शेप होगा, इसके बारे में लेविस डॉट स्ट्रक्चर लेविस थ्योरी बात नहीं करती। यही लेविस थ्योरी की बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ठीक है। एक एग्जांपल और है, मैं चाहता हूं कि यूजर्स जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को खुद भी अटेम्प्ट करें। जैसे तीसरा लेविस डॉट स्ट्रक्चर CCl4 का है, मैं बनाने जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके खुद भी एक बार बना के देखिए कि कैसे बना पाते हैं कि नहीं आप ठीक है। अब यहां पे क्या है, कार्बन की चार वैलेंसी होती है, चार इलेक्ट्रॉनों के, एक दो तीन चार, क्लोरीन की सात होती है, तो क्लोरीन की सात कैसे होगी, एक दो तीन चार पांच छह, और सातवां उसने यही रख दिया। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसलिए कार्बन से उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया ठीक है। यही बात यहां पे भी हो जाएगी, दूसरे क्लोरीन के केस में भी हो जाएगी, यहां एक क्लोरीन है, एक दो तीन चार पांच छह सात, ऐसे हो जाएगा, एक ये क्लोरीन है, दो तीन चार पांच छह सात ठीक है, ऐसे है, ये भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और इसको एक और क्लोरीन यहां लगा दीजिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, इसका भी, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब आप कार्बन की बात करिए तो अगर आप देखेंगे तो कार्बन का भी यहां ऑक्टेट जो है पूरा हो गया ठीक है। तो फिर वही बात, CCl4 का हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कार्बन ने एक Cl, दो Cl, तीन Cl और चार Cl, चारों Cl के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बनाया है यहां पे ठीक है। तो ये आपका CCl4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन मैं फिर आपको ये बात बता दूं कि लेविस थ्योरी जो है वो ये बात नहीं बताती कि ये स्क्वायर की तरह ऐसे होंगे या टेट्राहेड्रल होंगे या इनका क्या शेप होगा, शेप के बारे में कोई बातचीत नहीं करता ये थ्योरी। नेक्स्ट एग्जांपल जो स्टूडेंट्स खुद भी बना सकते हैं वो है C2H2 कर लीजिए, C2H2 कैसे बनेगा, तो आप देख लीजिए दो कार्बन है, कॉमन सेंस है, आगे चल के मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पता लगाएंगे कि कितने बॉन्ड होंगे नहीं होंगे, ये सब आगे मैं आपको कैलकुलेशन करना लॉजिकली सिखाऊंगा। फिलहाल अभी आप अपने ना क्या कहते हैं कॉमन सेंस से है ना, सहज वृत्ति से आप इसको जज कर सकते हैं ठीक है। अब यहां दो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन मैंने यहां लगाया
ठीक है, यही क्यों लगा, यहां क्यों नहीं लगा, ये सारी बातें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, आगे इसका मैं लॉजिक दूंगा कि क्यों हाइड्रोजन ऐसे होता है किनारे होगा, क्यों कार्बन बीच में होगा। आई लेट यू नो विच एटम विल बी अ सेंट्रल एटम, विच एटम विल बी अ बॉन्डेड एटम, विच एटम विल बी फाउंड एट द पेरिफेरी ऑफ द मॉलिक्यूल, विच एटम विल ऑक्यूपाई द सेंट्रल स्टेज ऑफ द मॉलिक्यूल, तो वो सारी चीजें जो है आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, बताऊंगा इसमें। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के चार होते हैं, एक यहां लगाया, दो तीन चार, इस कार्बन ने का एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक दो तीन और एक यहां चार, और इस हाइड्रोजन ने एक रख दिया, तो आप देख सकते हैं यहां इस हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, ठीक है। और अगर आप कार्बन की बात करिएगा, ठीक है, तो अगर आप कार्बन की बात करेगा तो इस कार्बन के पास तीन और तीन छह सात आठ, ये अगर आप ऐसे देखेंगे तो इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और अगर आप ऐसे देखेंगे है ना इधर से इससे देखेंगे तो आप पाएंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब आप अगर बहुत गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये जो कार्बन है ऐसे यहां पर कार्बन है, और ये सिंगल बॉन्ड जो है वो एच हो जाएगा, और यहां पे एक दो और तीन, यहां पे तीन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे, फिर यहां पे सी हो जाएगा, और फिर यहां पे एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सी टू एच टू का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, सी टू एच फोर, ठीक है, सी टू एच फोर देखते हैं, तो ये आपका चौथा स्ट्रक्चर हो गया। पांचवा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C2H4 भी इसी तरह बन जाएगा, ठीक है। आप क्या करिए, कार्बन ले लीजिए, एक कार्बन ले लीजिए, अब की बार दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां, चार हाइड्रोजन है, दो तीन चार, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो तीन चार, ठीक है, इस कार्बन के पास चार है, एक दो तीन चार, और इस हाइड्रोजन का एक, और इस हाइड्रोजन का एक। आप देख सकते हैं यहां पे कि इसका डुएट पूरा है, इसका डुएट पूरा है, इसका भी डुएट पूरा हो गया, इसका भी डुएट पूरा हो गया, जबकि अगर आप कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन के ये आठ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना, और यहां इस कार्बन के भी ये आठ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, ये आठ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ये आपका C2H4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने यहां पे आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया, ठीक है। अब अगली बात क्या, अगली चीज है कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वैलेंसी जो है वो दो तरह की होती है। अगर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं हम तो आयनिक जब कंपाउंड बनाते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करता है या एक्सेप्ट करता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड बनाते समय है ना जितना कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको हम लोग कोवैलेंसी कहते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी को कंबाइंड रूप से हम लोग है ना वैलेंसी कहते हैं। पर मन में ये आता है, स्टूडेंट क्या सकता है कि सर वैलेंसी निकालें कैसे, हाउ कम आई नो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आपको वैलेंसी निकालने की बात अगर आ जाती है तो ये वैलेंसी कैसे निकलेगा, आइए सीखते हैं।